आज हमारा टॉपिक है वुमेन अब्यूज़ या अब्यूज़ अगेंस्ट फीमेल्स, जिसको हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कहते हैं। ओके, सो वुमेन अब्यूज़ एक ऐसा कंडीशन है जब फीमेल्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का हार्म किया जाए, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, या किसी भी तरीके से। मतलब अगर उन्हें चोट पहुंचाई जाती है, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किए जाते हैं, गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? वुमेन अब्यूज़ में। ओके, सो आज हम वुमेन अब्यूज़ में सबसे पहले टाइप्स ऑफ वुमेन अब्यूज़ देखेंगे कि कितने तरीकों, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं अब्यूज़ के, उन्हें हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में। फिज़िकल अब्यूज़ या फिर शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार में वो कंडीशंस आती हैं जब फीमेल्स के साथ किसी भी तरीके का मारपीट का किस्सा होता है, तो वो इंसिडेंसेस फिज़िकल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं भावनात्मक दुर्व्यवहार, इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ वो कंडीशन है जब फीमेल को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक बनाया जाता है, जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाना, उनको बहुत गलत शब्दों का उनके साथ प्रयोग करना, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिकली सोसाइटी में देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें इमोशनल अब्यूज़ में आता है। ओके, देन आते हैं आर्थिक दुर्व्यवहार के बारे में। आर्थिक दुर्व्यवहार एक ऐसा कंडीशन है जब अगर फीमेल्स को, ये बेसिकली घर के सेटअप में बोला गया है कि अगर घर में फीमेल्स हैं और अगर उन वो फीमेल्स अगर घर में मेंस पे डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स पे, इन लॉज पे, हस्बैंड पे अगर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, तो अगर उन्हें अपने ज़रूरतों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनकी बेसिक नीड्स, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं अगर फाइनेंशियली पूरी नहीं की जा रही हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल अब्यूज़ या फिर आर्थिक दुर्व्यवहार। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्रिमिनल अब्यूज़ के बारे में, क्रिमिनल इंसिडेंसेस के बारे में, जिसको हम आपराधिक हिंसा कहते हैं। तो आपराधिक हिंसा में रेप, सेक्शुअल असॉल्ट, मिसट्रीटिंग अ वूमन फिजिकली या सेक्शुअली, फिर दहेज मांगना, किसी भी वूमन को फोर्स करना कि वो अपने फीमेल चाइल्ड को, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट स्टेट में है तो फीमेल फोर्टिसाइड के लिए, मतलब कन्या भ्रूण हत्या के लिए अगर उन्हें फोर्स किया जा रहा है, या फिर अभी तो नहीं होता है सती जो प्रथा है, लेकिन अगर कहीं पे अभी भी प्रचलित है या जो पहले होता था, तो सती होने के लिए, सती वो कंडीशन है, वो प्रथा थी जब फीमेल को, जो मैरिड वूमन है, उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उस हस्बैंड के चिता के साथ ही उन्हें उस आग में मर जाने के लिए जो फोर्स किया जाता है, उसको हम सती प्रथा कहते थे। तो सती होने के लिए जो फोर्स किया जाएगा, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं? क्रिमिनल ऑफेंस में, क्रिमिनल इंसिडेंसेस में, जिसे हम आपराधिक हिंसा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट द लास्ट थिंग है स्पिरिचुअल दुर्व्यवहार। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्पिरिचुअल तरीके से भी अब्यूज़ किया जाता है फीमेल को। अगर किसी फीमेल को अपने रिलीजन, अपने कस्टम को फॉलो करने से रोका जाता है, तो वो स्पिरिचुअल अब्यूज़ है, जो अंडर लॉ एक ऑफेंस होता है, जिसके लिए सख्त सज़ा मिल सकती है। साथ ही साथ अगर किसी भी फीमेल को, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, अगर ऐसे होते हैं और अगर जो हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली किसी फीमेल को फोर्स कर रहे हैं, या कोई और व्यक्ति उन्हें फोर्स कर रहे हैं कोई और अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए, या धर्म परिवर्तन के लिए अगर कोई फोर्स कर रहे हैं, तो वो इंसिडेंसेस भी क्या कहलाते हैं? स्पिरिचुअल अब्यूज़ या फिर आध्यात्मिक दुर्व्यवहार। ओके, सो ये थे कुछ टाइप्स, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, क्रिमिनल इंसिडेंसेस और स्पिरिचुअल अब्यूसेस इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली वो क्राइम्स हैं या वो मिसट्रीटिंग इंसिडेंसेस हैं जो हम देखते हैं, जो सोसाइटी में होती है। लास्ट हम बात करेंगे कि क्या वो तरीके हैं, मेजर्स हैं, जिनसे हम इस सिचुएशन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, फीमेल्स के साथ बेटर बिहेवियर के लिए हम क्या कर सकते हैं।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी एडुकेशन या कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, जिसमें सभी लोगों को, मेन एंड वुमेन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल्स के साथ जो अब्यूज़ होता है वो मेन ही करते हैं या मेल ही करते हैं। फ़ीमेल्स के साथ अब्यूज़ के कारण जितने मेल्स होते हैं उतनी फ़ीमेल्स भी होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी सेटअप्स में हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दें लोगों को, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि उन्हें किसी भी फीमेल के साथ गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें ये बता के देना भी ज़रूरी है कि इंडियन लॉ में इसके लिए बहुत सख्त कानून है, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती हैं। तो उन्हें जब ये पता होगा कि अगर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो जाएगी और उन्हें अगर जेल हो सकती है या उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज हो सकता है, तो शायद डर की वजह से भी बहुत सारे इंसिडेंसेस कम होने के चांसेस हैं। ओके, इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि फीमेल फॉर्टिसाइड जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं, कन्या भ्रूण हत्या, उनको रोका जाए, लड़कियों को इक्वल स्टेटस मिले सोसाइटी में। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फीमेल एडुकेशन को बढ़ावा दें। ओके, बहुत सारी जगहों पे अभी भी मेंस को एडुकेशन दी जाती है, अच्छा एडुकेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फीमेल्स को एडुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है काफ़ी जगहों पे। तो ज़रूरी है कि अगर हम फीमेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, उनका एडुकेशन स्टेटस अच्छा बनाएंगे, तो एक एडुकेटेड वुमेन जो है वो काफ़ी हद तक अपने ऊपर आने वाले ऐसे अब्यूसिव इंसिडेंसेस का सामना कर सकती हैं, या एटलीस्ट उन्हें ये पता होगा कि उन्हें रिपोर्ट करना है या उन्हें किस तरीके से इन अब्यूसेस से बचना है। ओके, सो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू हम फीमेल अब्यूज़ को रोक सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था वुमेन अब्यूज़ के बारे में, वुमेन अब्यूज़ क्या है, कितने तरीके के हैं और हम क्या कर सकते हैं इस वुमेन अब्यूज़ को कम करने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।